डॉक्टर पे भी तो रहम करें जो 20 साल पढ़ के आ रहा होता है। इंसानियत के नाम पे आपने इस तरह से नहीं करना भाई। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की है, आगे किस तरह चलूंगा। तालीम हासिल की है इंसानियत के लिए, ना कि रिकवरी के लिए कि मैं इन लोगों से रिकवरी हासिल करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वलीद, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे मरीजों की जिंदगी से खेलना, एक इंसानी जिंदगी से खेलना, ये तो कहीं भी सही नहीं। डॉक्टर पे भी तो रहम करें जो 20 साल पढ़ के आ रहा होता है और फिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा होता है, जिसने 10 करोड़ रुपए पढ़ाई पे लगाए हुए होते हैं, मुश्किल से 50 लाख कमाए हुए होते हैं, उस पर आप क्यों नहीं रहम खाती? आपको गरीब की जिंदगी नजर आती है, डॉक्टर की मुश्किल नजर नहीं आती वर्दा को। आई एम सॉरी डॉक्टर वलीद, वर्दा ऐसी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, लेकिन मैं इंसानियत के लिए, सबसे पहले इंसानियत के नाम पे आपने इस तरह से नहीं करना। डॉक्टर भी इंसान है मेरी बहन, मेरे भाई, रिस्क में मैं भी हूँ। हम बाहर जा रहे हैं कुछ, डॉक्टर को भी बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। आप भी बाहर जाते हैं कोई गन पॉइंट पे आके स्क्रैचिंग कर दे, फायर कर दे, आप ये क्यों नहीं सोच रहे? आपने 20 साल पढ़ाई की है 10 करोड़ रुपए लगा के, वो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 20 करोड़ लगा के आपने पढ़ाई की तो उसका हर जाना। आप इंसानी जिंदगी को मौत नहीं, आप अपनी जिंदगी का तो ख्याल रखेंगे भाई। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की है, आगे किस तरह चलूंगा? देखें, आपने तालीम हासिल की है इंसानियत के लिए, ना कि रिकवरी के लिए कि मैं इन लोगों से रिकवरी हासिल करूंगा। सर एक्चुअली आजकल दौर में तालीम की कॉस्ट देखी जाती है और सोचा जाता है रिकवरी कितने वक्त में होगी, जब इतनी महंगी डिग्री होगी या 20-25 लाख में एडमिशन होगा तो फिर लोग यही सोचते हैं। वो सरकारी नौकरी में भी जो आते हैं ना पैसे देके, वो यही कहते हैं इतने पैसों से नौकरी मिली है, कितने वक्त में पैसे निकालूंगा। ये हमारे मुल्क का सिस्टम है। आपने 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 अगर कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू मैंने देख रहा था अकील करीम डैडी साहब का, वो कहते हैं कि इस मुल्क में जो मैनिपुलेशन दो नंबर ही करता है ना, उसी को अवार्ड मिलता है। जो एक नंबर काम करता है उसे साइड पे कर देते हैं। हम बदलते नहीं ना, फिर हम शिकायत करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने मुल्क से। हम खुद नहीं बदलेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।